Assalamualaikum, welcome to my vlog. नए व्लॉग के साथ आप सबको वेलकम करूंगी और एक दफा फिर कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जितने भी ब्लॉग होते हैं आपके प्यार के साथ होते हैं, आपके लिए होते हैं, आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज, कहीं मत जाइएगा। आज हम करेंगे प्रैंक कॉल सबको, हमारे फ्रेंड्स देखेंगे कि कौन कौन हमारी मजबूरी में, हमारे वक्त में हमें काम आते हैं, कौन हमारे साथ लॉयल है। तो चलते हैं, लेट्स गो। अब वक्त है प्रैंक कॉल का और हम कॉल्स करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन हमारे इस गेम का हिस्सा बनता है, क्योंकि गेम जिंदगी का हिस्सा होते हैं और सच्चाई कौन कौन दोस्त दिखाते हैं और कौन से दोस्त हमारे साथ रॉयल हैं, वो हमें पता चलता है वक्त स्पेंड करने से। तो आज मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कॉल करूंगी, वो टिकटॉकर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। तो मजीद प्रैंक की तरफ चलते हैं। तो हमारी फर्स्ट कॉल होगी, बहुत अच्छा टिकटॉकर है हमारा अमीन बलोच, उसे हम कॉल करते हैं, देखते हैं कि वो हमारी कॉल उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अमीन? मैं ठीक, आप सुनाए? तो भी ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। आप बोल के दिल तोड़ रहे हैं, आप इतनी फॉर्मल की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा तुम कैसी हो? हाँ ये उनका बात, तुम कैसी हो? इतने टाइम से मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ, पर आज तक तुमने मुझे कॉल ही नहीं की। हाँ यार बस ऐसे ही, थोड़ी बिजी रूटीन चल रही है ना बस। तभी क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में? यार बस कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया, तो उसमें बिजी। अच्छा अच्छा, तो किसी के साथ कोई सीन है, मतलब कि रिलेशन वगैरह? नहीं यार, रिलेशन का तो कोई सीन था एक, वो भी काट के चली गई। काट के चली गई? हाँ मतलब तोड़ के चली गई। अच्छा कौन थी वो? बस थी कोई। खैर अमीन, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे बहुत सारे सीन देखे हैं, बहुत सारे अफेयर्स भी देखे हैं, मतलब मुझे तुम्हारे साथ आज तक कोई लड़की सिंसियर नहीं लगी। माशाल्लाह तुम इतने अच्छे हो, पर अपने क्लेबर की लड़कियां आज तक क्यों नहीं रखी तुमने? यार कोई मिली नहीं क्लेबर वाली, बस क्या करें, इतना अच्छा मिली, बस क्या बोले, लाइफ स्टाइल भी अच्छा है, देखने में भी अच्छे हो, खूबसूरत हो, जवान हो, अच्छी लड़की रखनी चाहिए यार, ये क्या तरीका है? अच्छी लड़की थी बोला ना, वो भी छोड़ के चली गई, अब क्या करूं, अब कोई अपने हाथों से थोड़ी बनूंगा। अच्छा खैर, एक सीरियस मुझे बात करनी है तुमसे ना। जी जी। यार मैं बड़े अरसे से तुम्हें पसंद करती हूँ और मतलब तुम मुझे अच्छे लगते हो, आई रियली लाइक यू ना, तो क्या तुम मुझसे रिलेशन रखोगे? आई लाइक यू टू, पर आप मुझसे बहुत बड़ी है। मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ? हाँ अम्मा तो, अम्मा जितनी तो होंगी, लेकिन अम्मा से एक दो साल छोटी होंगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब कि आप कितने बड़े हैं मुझसे? मेरी एज है 22, अभी होने वाला हूँ 22। हाँ तो आपको कैसे पता कि जो है ना, क्या कहते हैं, मैं आपसे बड़ी हूँ? बस अंदाजा लगा सकता हूँ। देखो कभी कभी अंदाजे, कभी कभी अंदाजे गलत भी होते हैं। नहीं नहीं, मैं जब बहुत छोटा होता था ना, उस टाइम मैंने आपका एक सॉन्ग सुना था, तब से मैं आपको जानता हूँ ना। आप सोचिए, आप इतनी बड़ी थी और मैं इतना छोटा था, तो इससे अंदाजा लगा। तो मोहब्बत में बड़े छोटे का तो कुछ नहीं होता यार, अब तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। नहीं दिल तो नहीं तोड़ा, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त है, मीटअप करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बस यही तो यार, मैं आपके साथ टाइम पास करूं या आप करें, अच्छा नहीं है। इतना टाइम तो मेरे पास है ही नहीं कि मैं पास करूं, बस मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती यार। बड़े छोटे का खैर है, जब लड़का बड़ा चल सकता है तो लड़की क्यों नहीं? नहीं नहीं, हमारे वो बलोचों में नहीं है ना अम्मा हमारी। तुम्हारी अम्मा से भी मेरी मुलाकात है, कोई मसला ही नहीं, अम्मा को मैं खुद राजी करूंगी। अम्मा हाँ सही है, बस तुम आ जाओ मेरे घर पे, घर तो आई हो ना। हाँ। बस अम्मा से बात करो, अम्मा एग्री है तो फिर मुझे, तुम्हारी अम्मा को भी एग्री करना कोई मसला नहीं है, तुम्हारी बहन को भी राजी करना कोई मेरे लिए मसला नहीं है। रिलेशन वाले चक्कर में नहीं, डायरेक्ट बंदा निकाह करे वो अच्छा है। कब करे निकाह? निकाह जब आप अम्मा को राजी करें। नहीं यार, अम्मा को राजी करना तो तुम्हारा काम है, बड़े बेटे हो, फादर की बात तो तुम्हारे घर में चलनी चाहिए ना। नहीं वो मेरी पूरे खानदान में चलती है, मेरा ही हुक्म, लेकिन इस बात पे अम्मा आपने क्या बोला, मैं अम्मा को राजी करूंगी, बहन को राजी, वो आपका मसला है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ, मैं उनको तो राजी कर लूंगी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है?
नहीं आप क्या, आप इतनी अच्छी हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। आप में क्या है, कोई सही थोड़ी लगे हुए हैं। अच्छी बात है ना, कोई डिमांड वगैरह तो नहीं है ना। नहीं नहीं डिमांड अब किस चीज की होगी, पर मैं शादी के बाद मीडिया को कंटिन्यू रखूंगी। हाँ यो मतलब ये वो बात करती, वो गले पे वो रखते ना क्या बोलते हैं, खंजर रखते हैं, हाँ करो वरना बस काम खराब। चलो ठीक है ठीक है, खैर क्विक प्रैंक कॉल कर रहे थे, खैर बहुत अच्छा। मुझे पूरा आइडिया था जिसे आप मुझे तो आइडिया हो गया था, क्योंकि कभी भी मैंने जिंदगी में आपसे ऐसे बात नहीं की और बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। लाफ़ जी नाज़रीन, तो एक और कॉल हम करेंगे, वो है मेरी बहुत अच्छी दोस्त जिया मतलब जवेरिया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो आज मैं उसको कॉल करूंगी और देखूंगी कि वो मेरे बारे में क्या फीडबैक देती है, क्योंकि हमेशा ही जब भी मैंने कोई क्राइम किया या कोई अच्छा काम किया तो मेरी बहुत अच्छी गाइडर रही है। तो मैं उसे कॉल कर लूंगी और आपको बताऊंगी कि वो हमसे क्या बात करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जिया तुम कहाँ हो? घर पे हूँ। यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे बैठा हुआ है किसी और लड़की के साथ? मेरा बॉयफ्रेंड तो कोई है नहीं, बैठा रहे उसको बोलो 10 लड़कियां लेके बैठा। सीरियसली तुम्हारा बॉयफ्रेंड देखा? मैंने कुछ दिन पहले ही उसको तुम्हारे साथ देखा था, तुमने मुझे खुद बताया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड है नहीं, बैठा है तो अल्लाह उसे खुश रखे। मतलब तुम्हें कोई बोलना शादी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी के साथ भी? आई डोंट गिव अ डैम। यार कैसी बंदी हो तुम? मैं बेदिल। बहुत गलत बात है यार, सीरियसली तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ बैठा है, तो मेरी बात को आज तक सीरियस लिया क्यों नहीं है तुमने? यार मैं आई ट्रस्ट यू, हाउ कैन आई नॉट ट्रस्ट यू, मैं तुम पे भरोसा खुद से ज्यादा करती हूँ। जान बैठा हो सब शादी करें, अब शादी तो वाला दौर कब रहा है? वो कहते हैं मोहब्बत में सिर्फ जिया से करता हूँ, बाकी टाइम पास मेरे बहुत सारे हैं। वो तो ऐसे जिया के पीछे बहुत है जो सिर्फ जिया से मोहब्बत करते हैं। कौन कौन है मैं जानना चाहती हूँ। होंगे शायद, मैं लिफ्ट नहीं कराती हूँ। कितने होंगे? तभी तो सिंगल है हम, 25 साल की उम्र में भी सिंगल है। नहीं नहीं कितने होंगे? गिने नहीं है। ऐसा कोई जिंदगी में आया जो जिंदगी को जिंदगी बनाया, ऐसा कोई है नजर? हाँ जो भी आया अब शादी करे, अब इस उम्र में इश्कबाजियां तो होती नहीं है। शादी क्या करोगी शादी करके? वो गाना सुना है ना, शादी करके फंस गया यार अच्छा खासा था कवारा। शादी वाले भी रो ही रहे, रोते रहे, हम शादी करके रो लेंगे, ऐसे भी तो रो ही रहे। सब छोड़ो ये बता तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या करूं, जो बैठा है उसको पकड़ के मारूं? नहीं नहीं पप्पी लेके आओ जा। यार वाहिद गर्लफ्रेंड है जो कह रही है पप्पी लेके आओ। एग्जैक्टली क्या करे, बस फिर तुम्हारी भी मोहब्बत नहीं थी, मुझे लगता तुम्हारा भी टाइम पास ही था। मैं मोहब्बत करती नहीं किसी मर्द से, मैं सिर्फ अपने शौहर से करूंगी। वो शौहर मर्दों की औकात नहीं से मोहब्बत की जाए। किसकी औकात नहीं है? इन मर्दों की। मर्दों के साथ क्या करना चाहिए इनको? कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम क्या करेंगे इनके साथ, अल्लाह करेगा। क्या करेगा मतलब बताओ ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ है, अपनी फीलिंग को क्यों छुपा रही हो बताओ? मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ जिया। तो फिर बताओ ना, अगर आपका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ बैठा हो तो क्या फील कर रहे हो? क्या यार हम बोलेंगे अच्छा वो बल्ला टली, छटका दे रही हूँ ना मैं रोज बल्ला टली। इतने बंदे हैं जिनका तुम बारी बारी छटका दे रही हो? नहीं मेरे पास इतने बंदे नहीं है, सिंगल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बॉयफ्रेंड एक तो होना चाहिए जिंदगी में जो तुम्हारा है। और यार मेरा नहीं है कोई बॉयफ्रेंड, नहीं करूँ। फिर ये जो बैठा है वो तुम्हारा भाई है? मैं काम नहीं करूँ, मुझे मैं कहाँ से आया बॉयफ्रेंड यार, अकेली हूँ मैं 2017 से अकेली हूँ सिंगल। कभी दिल नहीं करता तुम्हारे साथ भी कोई हो, कोई डिनर पे जाए, कोई मूवी पे जाए, कोई रोमांटिक सा सीन करे, कोई जोर की जप्पी दे? आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव माशाल्लाह अ गुड फैमिली, मेरा बाप ही हमें इतना घुमा देता है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अंकल ने इंटरनेशनल टूर्स करा देते हैं, मुझे जरूरत होगी कि पाकिस्तान में मुझे कोई लेके जाए कहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में कोई शक नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स मतलब स्पेशली तुम्हारे बाबा तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत केयर करते हैं, और जिंदगी में किसी पार्टनर की तो जरूरत है ना, जरूरत होगी। और अगर वो किसी और के साथ बैठना है
तो मेरा दिल कर रहा है अगर कोई मुझे प्रायोरिटी देगा तो सर आंखों पर, चाहे उसकी शक्ल जैसी भी हो, चाहे वो थोड़ा कम अमीर हो, लेकिन जो किसी और के साथ बैठा है, do you think I love him? No. कॉल थी आपके साथ, देखना चाह रहे थे कि बॉयफ्रेंड पे रिएक्ट आप क्या करती हैं। लेकिन जिया को लड़कों की कोई कमी नहीं है, ये बात का अंदाजा मुझे आज हो गया। जो उसके साथ सिंसियर है उसके साथ वो सिंसियर है, राइट? जैसा भी सिंसियरिटी सिंसियरिटी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम हमें दिया। जी नाजरीन, तो अब हम थर्ड कॉल करने वाले हैं, और थर्ड कॉल हम करने वाले हैं बहुत अच्छे टिकटॉकर अजहर किंग को, क्योंकि जब लड़की और लड़के अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बताते हैं तो एक बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि हर इंसान की स्टोरी और हर इंसान का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। तो हम कॉल की तरफ चलेंगे, देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है, क्योंकि इन्होंने भी जिंदगी में बहुत सारे रिलेशंस रखे हैं और लड़कियों के पीछे ही भागे, ये भी पक्का ठरकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपके, कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, घर में खैरियत है। आप कौन? आप कौन? नंबर आपके पास सेव होना तो नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि नंबर अननोन है। आप बताएं कि कहाँ हैं अभी? मैं तो घर पे। आप अजहर बात कर रहे हैं ना, अजहर किंग जो टिकटॉक पे होते हैं? जी जी हाँ। रिसेंटली आपकी, मैंने सुना शादी हुई है, ये बात सच है? जी हाँ। तो ये मेरी खुद की मतलब कजन है। नहीं, लड़की से हुई है या लड़के से हुई? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वर्जिन मेल है या फीमेल है? तो मैं लड़का हूँ तो लड़की से होगी, लड़के से होगी? नहीं, एक्चुअली बहुत सारे जो हैं लोगों के अलग अलग टेस्ट और शौक होते हैं ना, तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे सीधा सीधा जवाब दें। नहीं, आपको मैं ऐसा लगता हूँ क्या? लगते तो आप बड़े प्यारे हैं, ऐसी बात नहीं है, और आप किससे भी बड़े मशहूर है जमाने में। तो आप मेरे सवालों के जवाब दें, सवाल बहुत सारे हैं। सेकंड, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इतनी सारी जिंदगी में, इतनी सारी आपने अपनी जो है सोशल लाइफ एक्टिव रखी हुई है और बड़े अरसे से आप हैं, तो रिलेशंस वगैरह आपने जिंदगी में रखे? हेलो। नहीं, मैं प्योर देसी बच्चा हूं। देखिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको प्रूफ कर दूंगी ना, आप मुझे बता देंगे तो मैं आपसे काम की बात कर रही हूँ तो बहुत मजा आया, क्योंकि सच बोलना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको प्रूफ करके दे दूंगी। अभी अभी व्हाट्सएप पे सारी तस्वीरें, पिक्चर्स, मैसेजेस, सब स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगी। सीआईडी ऑफिसर तो नहीं है आप? मैं जो भी हूँ, आपसे जो मैं पूछ रही हूँ वो आप बताएं, फिर मैं आपको बताती हूँ ना मेरे पूछने का मकसद क्या है। अच्छा बताएं, कोई प्रूफ दें? पहले आप बताएं। देखिए ना, एक नॉर्मल सी बात है, लड़का हसीन और खूबसूरत हो तो रिलेशंस तो होते ही हैं। नाम तो नहीं बता सकता पर आ, अच्छा अल्फाबेट बता दें, नाम नहीं बता सकते, शुरू का अल्फाबेट बता दें। शुरू से ए। ए, ओके। ए से कहीं आयशा तो नहीं थी? इतना कंफर्म आप कैसे बता सकती हैं? ए से कहीं आयशा तो नहीं थी? यस और नो? से यस और नो, हाँ या ना? यस। टाइम आप लोगों का रिलेशन रहा? यही कोई 4-5 साल। अभी वो बैठी हुई है सखर में किसी लड़के के साथ मेरी आंखों के बिल्कुल सामने। अच्छा जी, और वो आपकी बहुत सारी बुराई कर रही है, वो कह रही है अजर ये वो, जिंदगी में उसने कुछ मुझे उससे हासिल नहीं हुआ, मैंने अपना वक्त बर्बाद किया है, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें। मैं वक्त क्यों बर्बाद करूंगा? तो कैसी मोहब्बत थी जो आपने छोड़ दिया? छोड़ा तो उसने था। क्यों छोड़ा था? वजह तो कोई नहीं थी, पर जो मेरे मुखलिस दोस्त थे उन्होंने ही मेरे को गद्दारी नजर आई, उन्होंने सारा काम किया, मेरी दोस्तों की वजह से सब कुछ ये हुआ। आपके दोस्तों ने क्या गद्दारी की? मतलब मेरे दोस्त ने ही मतलब मेरी जेब के ऊपर आग मारी, और वो पता है आजकल की लड़कियां जैसे पैसे पे मरती हैं, पैसे के पीछे वो भी चली गई। मतलब आज वो आपके दोस्त के साथ है? हाँ, अभी हमारे सामने ही आपके दोस्त के साथ ही बैठी हुई है, तभी तो मैंने आपको कॉल किया। अच्छा हाँ,
मैंने कहा ये मोहब्बत तो अज़र की थी। फिलहाल ऐसी मोहब्बत को यही अंदाज मिलेगा, आज मेरी नहीं तो किसी और की, कल इसकी नहीं तो किसी और की। मोहब्बत के बारे में क्या कमेंट्स है? मोहब्बत ऐसे करनी नहीं चाहिए, आजकल के दौर में तो मोहब्बत होनी नहीं चाहिए। आप दर्द के सिवा कुछ मिलेगा? अच्छा, आप लोगों का कितने टाइम का रिलेशन रहा है? किसके साथ? आपकी गर्लफ्रेंड के साथ। आपका कितने टाइम का रिलेशन रहा है? मेरा तकरीबन 4 से 5 साल। 4-5 साल में तुम लोगों ने शादी नहीं की, मतलब आप लोगों ने शादी नहीं कर ली? शादी का बहुत मौका मिला, मैंने चांस भी दी उसको शादी की। मैं पहली मैरिड था, मैं इससे मैरिड करना चाहता था, मैं शादी इससे करूंगा, पर इसने बीच में कोई अपने फैमिली के इश्यूज बताए तो मैं हार गया। उसके बाद मैंने जब शादी की, उसके बाद इसका दिल कहा कि मैं शादी करूँ तो आपके साथ, और शर्त यह थी कि पहली बीवी को आप छोड़ो। तो मैं अब ऐसे तो नहीं कर सकता ना, एक के साथ मैंने कहा करके हर चीज हक मेर दे के उसको लेके आऊँ, फिर दोबारा एक प्यार के करके जो मेरा है ही नहीं उसके घर वो छोड़ो। नहीं, ये तो कहाँ का कहीं का भी रिवाज नहीं है कि आप अपनी पहली बीवी को छोड़ के दूसरी मोहब्बत को हासिल करो। मतलब वो उसका कहना ये था। खैर, आपके साथ बड़ा बुरा हुआ है और बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। मैं दुआ करूंगी आगे नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई लड़की मिले तो आपसे ज्यादा चाहने वाली मिले। अब तो लड़कियों पे एतबार भी नहीं होता, अल्लाह ना दे तो अच्छा है, फिर खदड़े मिले लड़के। नहीं, ऐसी की बात नहीं है, पर सबको अल्लाह खुश रखे। आज वो देखो मेरे बगैर खुश है तो मैं भी उसके बगैर। चलो चलो, इमोशनल नहीं हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर, एक प्रैंक कॉल थी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया। हम एक कॉल रिकॉर्ड कर रहे थे, वो प्रैंक कॉल थी, देखना चाह रहे थे कि मोहब्बत और आशिकों के क्या कमेंट्स हैं। जी नाज़रीन, तो अब हम फोर्थ कॉल लेंगे और फोर्थ कॉल पर देखते हैं हमारे साथ कौन है, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों के साथ ज्वाइन रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फीडबैक दिए हैं और सबके आशिकी के बारे में बड़े डिफरेंट डिफरेंट से कमेंट हैं। किसी का दिल टूट गया है, किसी को ट्रस्ट नहीं है और बहुत सारी चीजें। तो अभी भी हमारे पास एक आशिक है, आशिक मजाज बंदा है, उसको हम कॉल करेंगे। उसका नाम भी मैं आपको बता दी चलूं, उसका नाम है इमरान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर है? दुकान पे। कहाँ है? दुकान पे। दुकान पे। दुकान पे क्या कर रहा है? ओके, बेच रहा हूँ समोसे वगैरह। समोसे बेच रहे? इतने बुरे हालात तेरे? रेस्टोरेंट में क्या है? तो रेस्टोरेंट बोलना, दुकान और रेस्टोरेंट में फर्क नहीं है? इमरान एक बात सुन, जरूरी। बता। थोड़ा साइड में हो, जरूरी बात। साइड साइड में हूँ। तेरी वाली इधर बैठी हुई है। मेरे साथ बैठी है सामने वाली टेबल पे, उससे मैंने बात की, मैंने कहा तूने इमरान के साथ ऐसा क्यों किया है? रोए जा रही है। तेरी कौन है? रोए जा रही है, रोए जा रही है, कह रही है इमरान ने गलत किया। क्या गलत किया मैंने? तूने क्या गलत किया उसके साथ, इतना रोए जा रही है? अल्लाह का नाम पूछो तो सही, मैंने क्या गलत किया? मुझे बोलो कुछ। कह रही है मुझे यूज किया, मेरे काम नहीं करता, बाकी सबके अंदर गुस्सा हुआ है, कोई तरीका है कोई, मुझे इग्नोर मारता है, इस तरीके से थोड़ी होता है, इसको खुदा पूछेगा। रोए जा रही है, रोए जा रही है, इतनी देर हुई है। उससे कैसे? मैंने तो कभी किसी को इतना किया ही नहीं है। तू है किधर? तू आ चुप कराने के लिए? तुम लोगों का पेचअप कराऊं? कहां पे आ सकता है अभी? कहां पे बता दो। हम लोग हैं ऑटोबान की तरफ। हां, किस जगह पे? ऑटोबान पे ब्रीज फिश पॉइंट ना, मैकडोनल्ड के पास, वो उधर बैठे हैं। और ये कह रही है, पर ये कह रही है मैं इससे मिलूंगी नहीं, इससे पूछ उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, पहले तो उसको बता, फिर मैं इसको लेके तेरे पास ही आ जाती हूँ, तू आ जा। क्या मसला है तुम्हारा? स्पीकर खुला हुआ है, मसला क्या है तुम्हारा, पहले ये बताओ। तूने क्या किया है? क्यों इग्नोर कर रहा है? क्यों ब्लॉक करता है बार बार? फिर बात करता है, फिर लोगों के सामने इसकी बेइज्जती करता है। तो सामने करवा दे बस, पता पड़ जाएगा तुम्हें। स्पीकर पे सुन रही है तेरी बात, कर इससे कसम उठा के बोल भाई मैं। अरे तो बात तो सुनना, अगर मैं कसूरवार हूं तो मैं माफी मांगूंगा बस, अगर मैंने इग्नोर कभी भी नहीं किया। वो क्यों ऐसे बोल रही है? वो उसको पता होगा, बाकी तो हमेशा मुझसे ही लोगों ने तकरीर की है। क्या तकरीर की है? जब दो बंदे सामने बैठे होते हैं तो क्लियर बात करते हैं। स्पीकर का मतलब है सामने बात कर रहे हो। तफरीत मैं वही बोल रहा हूँ, लेके आओ सामने बात कर लेते हैं। वो कह रही है स्पीकर पे बात कर, पहले पूछ, फिर जाऊंगी मैं क्या करूँ।
मैं नहीं चाहती तुम लोग अलग हो। मैंने दो गला उसको दो। ये ले बात कर ले। वो कह रही है पहले पूछ। हेलो, अरे अरे तूने किया क्या है? तो उससे पूछ लो भला, उससे पूछ लो भाई मैंने क्या किया। तुम दोनों आशिकों के बीच में मैं भी लावाजा फंस गई हूँ, बता नहीं रहे। वो कह रहा है उससे पूछ, तू कह रही है उससे पूछ। पूछो ना भाई मैंने क्या किया, पूछो बस। क्या किया है तू बता दे, क्या हुआ, क्या शुरू से मसला क्या क्रिएट हुआ था? मैं बताऊं? हाँ बताएगा। मुझे तो कुछ भी पता नहीं मैंने क्या किया है। कभी किसी के इल्जाम, कभी किसी के इल्जाम। सुनो ना, लोग जब बीच में आते हैं ना तो हजारे बातें हो जाती हैं, सीधी बात है। और मेरे नाम तो तुम्हें भी लोग 10 बार बोलते होंगे इमरान ने ऐसे बोला, अगर हम को जानता भी हूँ मैं बोलते हूँ। भाई मेरे तेरे रिश्ते में और उसके तेरे रिश्ते में जमीन आसमान का फर्क भी तो है। मकसद से मैं वही बोल रहा हूँ ना, लोग तो बीच पीछे तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना। वो तो बोलते हैं ना, जिलाने के लिए बोलते होंगे, भाई इमरान ये बोल रहा था, इमरान ये बोल रहा था, लोगों को भी बोलते बहुत सारे लोग क्या कहे बता। तो तुम दोनों के बीच में दूरियां क्यों आई? दूरियां बस उसको खुद को पता है क्यों आई, उसको पता है, मुझे पता है। जब तू मुझे नहीं बता रहा तो फिर फायदा, वो जब हर बात खोल के रख रही है तो तू छुपा रहा है, मतलब क्यों आई है वजह? तू मुझे बताना था कि मैं मसले का हल निकाल। वजह तो कोई नहीं है, वजह तो कोई नहीं है। क्यों दूरियां आई है, क्यों मसला है? रोज बैठने वाले लोग आज इस तरीके से क्यों बात पूछ लो मैं बैठा हुआ पूछ लो। तू अपनी साइड से बता, उसकी साइड से मैं फिर पूछती हूँ, जिससे भी तेरे सामने स्पीकर पे ही पूछूंगा। अगर मैं अगर गलत निकला मैं माजरत करूंगा सामने, जैसे बोलोगी उस टाइप से। तेरी दिल थी उससे है? तेरी दिल थी उससे है अभी? अच्छा, तेरी दिल थी या तेरी दिल अब तक है उससे? बिल्कुल है, क्यों नहीं? फिर अगर दोबारा बनना चाहो और तुम्हें बनाना चाहो तो बन जाओगे? हर बात खत्म करके दिल साफ करोगे? तो तू उसको मतलब फेल करता है, उसने कभी तुझे फोन की? तो उसने भी फोन की, तू भी फोन करता है, तो दोनों के दिल है, तो फिर मसला क्या है? मसला कोई नहीं है, बस वो खुद जाने, पूछना नहीं है क्या था, क्यों था ये, क्यों हुआ? इमरान ये एक फन कॉल थी, प्रैंक कॉल थी, उस पे हम एक सीन क्रिएट कर। अच्छा बात सुन, एक बात सुन, बात तो सुनो। हाँ हेलो, प्रैंक कॉल की रिकॉर्ड करेंगे? हाँ ये रिकॉर्ड होके ऑन ही रही है। हे गाइस, थैंक यू सो मच, आपने मेरा चैनल देखा और आप लोगों ने मेरी आज की प्रैंक वीडियो देखी और इसमें मैंने डिफरेंट लोगों को कॉल की और आपको बताया कि क्या कमेंट्स थे सबके। तो मेरे साथ रहिएगा, एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।